स्क्विंटिया स्ट्रैबिस्मस। स्क्विंटिया स्ट्रैबिस्मस एक ऐसी कंडीशन है जो खास तौर से बच्चों में, 1 से 3 साल के बच्चों में पाई जाती है, और वह पेरेंट्स को एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में ला देती है, बहुत परेशानी में ला देती है। अगर यह मिडिल स्टेज तक है तो होम्योपैथी में इसकी कारगर दवाएं हैं। आज उन्हीं दवाओं के विषय में आपसे बात होगी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे स्क्विंट यानी स्ट्रैबिस्मस के विषय में। स्क्विंट एक बच्चों में खास तौर से एक बहुत ही परिवार को डिस्टर्ब कर देने वाली कंडीशन होती है। यह 1 से 3 साल के बच्चों में अधिक पाई जाती है, और अभिभावक या पेरेंट्स या गार्जियंस बच्चे की ये पोजीशन देख के बहुत परेशान रहते हैं। यही ज़रूरत पड़ी यह वीडियो बनाने की। होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं आपके इस स्क्विंट की कंडीशन को ठीक करने की, यानी स्ट्रैबिस्मस के कंडीशन को ठीक करने की। चर्चा करेंगे आज हम दवाओं पे। पहले जान लेते हैं साथियों, स्क्विंट होता क्या है। स्क्विंट साथियों आपके आई बॉल की वो कंडीशन होती है, मरीज की आई की वो कंडीशन होती है जब उनकी बोथ आईज का फोकस डिफरेंट हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग की जो आईज होती है उसका फोकस एक पॉइंट पे होता है, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स की वीकनेस के कारण, एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स आई बॉल्स आईज को कंट्रोल करती हैं मूवमेंट को, जब वह वीक हो जाती हैं तो आपका आईज या तो इनवर्ड आ जाती हैं, आउटवर्ड आ जाती हैं, अपवर्ड आ जाती हैं, डाउनवर्ड, उनका मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। जो फोकस होते हैं वो दोनों आईज के फ़र्क हो जाते हैं, और यही कंडीशन जब हो जाती है तो इसी को स्क्विंट यानी स्ट्रैबिस्मस कहते हैं। समस्या पीड़ादायक है, लेकिन समस्या है तो उसका समाधान भी है। तमाम तरह का स्क्विंट होता है, एक्सट्रोपिया, एंट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया, तमाम तरह का स्क्विंट्स होते हैं, लेकिन हम लोग एक इसको स्क्विंट को लेके चलेंगे और आई बॉल के मूवमेंट के हिसाब से, आईज के मूवमेंट के हिसाब से दवा को डिफाइन करेंगे। बात कर लेते हैं साथियों सिम्टम्स की। स्क्विंट के सिम्टम्स में सबसे बड़ा जो एविडेंट सिम्टम होता है वो यही होता है कि आपकी आई या मरीज की आईज जो होती हैं वो डिफरेंट तरफ मूव करने लगती हैं, एक सिंक्रोनाइजेशन में एक तरफ मूव नहीं करती हैं। इसका नुकसान होता है, कि आगे चल के एम्बाइलोपिया या लेज़ी आई डेवलप हो जाती है। लेज़ी आई वो कंडीशन होती है जब जो सिग्नल होते हैं, आप जो देखते हैं उसके जो सिग्नल होते हैं, ब्रेन एक आई के सिग्नल को निग्लेक्ट करने लगती है, नज़रअंदाज करने लगती है, और वह एक आई के सिग्नल को केवल चलाती है, और इससे क्या होता है, बच्चों की आईज बहुत वीक हो जाती हैं और एक बुरी कंडीशन आ जाती है। तो हमको लेज़ी आई डेवलप होने नहीं देना, यानी एम्बाइलोपिया डेवलप नहीं होने देना है, डिप्लोपिया डेवलप नहीं होने देना है, और स्ट्रैबिस्मस को, स्क्विंट को यहीं पर सही करके, इसी स्थिति में ठीक करके बच्चे को ठीक कर देना है। कारण की बात कर लें साथियों, स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस का कारण, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, जो एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स होती हैं जब वो वीक हो जाती हैं किसी भी कारण से, चाहे वो किसी तरह का फीवर्स आए हो आपको, मीजल्स हुआ हो, कोई भी इस तरह की कंडीशन हो जिससे आपकी एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स वीक हो गई हैं, वही जो है आपके स्क्विंट का या मरीज के स्क्विंट का कारण होती हैं। दवाएँ साथियों निश्चित रूप से बहुत कारगर हैं, लेकिन हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि कोई भी दवा किसी कुशल चिकित्सक से पूछ के ही लीजिएगा। जो अपने मन से दवा लेना कतई भी समझदारी नहीं है। चलते हैं साथियों सफ़र पर, जिस पे हम आपको बताते हैं स्क्विंट यानी स्ट्रैबिस्मस को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों स्क्विंट के केस में आती है कि मरीज को केवल पास की चीज़ें दिखती हों, शॉर्ट साइटेडनेस हो। अगर मरीज में ये स्क्विंट के पेशेंट को ये दिक्कत है कि उसको केवल पास की चीज़ें दिख रही हैं और दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, यानी जो है उनको हाइपरमेट्रोफिया है, तो उस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है फाइटोस्टिग्मा। आप फाइटोस्टिग्मा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं या मरीज को दे सकते हैं। यह दवा की शॉर्ट साइटेडनेस
जो फार साइटेडनेस जो नहीं है उसको भी ठीक करेगी और स्क्विंटी यानी कि स्ट्रैबिस्मस को भी ठीक करने में आपकी बहुत मदद करेगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि पलकें गिरी जा रही हैं, आपके स्क्विंट की कंडीशन है और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो रही है, आप पलक को ऊपर रोक सकने तक सकने में दिक्कत है। ऐसे मरीज को अगर स्क्विंट हो साथियों तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मैकफॉस्फोरिकम। आप मैकफॉस 6x पावर की दो दो टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं, उनसे उनकी यह जो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स है ये भी ख़त्म होगी और उनका विजन भी ठीक होगा और उनकी स्क्विंट की कंडीशन भी ठीक होगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को दूर की चीज़ें साफ दिख रही हों और पास की चीज़ें साफ ना दिख रही हों, तो अगर यह स्थिति है कि उनको फार साइटेडनेस है, दूर की चीज़ें साफ दिख रही और पास की चीज़ें साफ नहीं दिख रही और उनको स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जबरेंडी। नॉर्मली हम लोग जबरेंडी को जानते हैं कि यह बाल झड़ने से रोकने की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन यह स्ट्रैबिस्मस यानी कि स्क्विंट को ठीक करने की भी बहुत अच्छी दवा है। आप स्ट्रैबिस्मस आप में जबरेंडी मदर टिंचर की 10 बूंद दिन में 4 बार आधे कप पानी में ले सकते हैं। यह आपके शॉर्ट साइटेडनेस को भी ठीक करेगी और आपके स्क्विंट को भी ठीक करेगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज को काफ़ी सारी दवाएं चली हों और उनको फिर स्क्विंट, कोई बच्चे हो जिनका बचपन से तबीयत ख़राब रही हो, उनको ड्रिप बहुत चढ़ी हो, उनको दवाएं बहुत इंजेक्ट हुई हों, इंजेक्शंस बहुत लगे हों, ओरल मेडिसिन बहुत हुई हो और अब उनके स्क्विंट हो गया, तो अगर हैवी मेडिकेशन के बाद किसी के स्क्विंट हो रहा है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है डिप्थीरियम। आप डिप्थीरियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको रिलैक्स देगी, आपके स्क्विंट को कंडीशन को ठीक करेगी और आपको बेहतर स्थिति में लाएगी। एक स्थिति साथियों आती है किसी भी मरीज को स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस की कंडीशन हो और उसके जो आईज हैं वो नोज की तरफ टर्न कर गई हों, नाक की तरफ आ गई हों, दोनों आँखें अंदर की तरफ आ रही हों, तो अगर यह स्थिति आपकी है तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है साइक्लामेन। आप साइक्लामेन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह जो आपका आई का फोकल पॉइंट डिस्टर्ब हो गया है, डिफरेंस हो गया है दोनों आईज का, उसको बराबर करके आपके स्ट्रैबिस्मस की कंडीशन को ख़त्म करने में मदद करेगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, इसका गाइडेंस सिम्टम यही है कि आपके जो आईज हैं वो नोज की तरफ इंक्लाइंड हो रही हों, तो यह दवा आपके लिए बहुत कारगर है। एक स्थिति साथियों आती है स्क्विंट की कंडीशन में कि मरीज़ को ब्रेन में डिजीज़ हो गया हो, तो अगर ब्रेन डिजीजेस हों, ब्रेन में कोई उनके परेशानी रही हो और उनके स्क्विंट की कंडीशन हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है हायोसेमस नाइगर। आप हायोसेमस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको ब्रेन में दिक्कत रही हो, जिसको थोड़ा लेसिवियस मीनिया हो। लेसिवियस मीनिया मीन्स जिसको कि थोड़ा सा जो है वह विचारों में हर समय जो है वह गलत काम याद आते हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हायोसाइमस बहुत कारगर दवा है उसके स्क्विंट को ठीक करने के लिए। एक स्थिति साथियों स्क्विंट की कंडीशन में आती है कि आपकी आईज जब आप साइड में देखते हो तो आपके दोनों आईज आउटवर्ड की तरफ चली जाती हो, अलग अलग, एक राइट एक लेफ्ट, यह स्थिति हो जाती हो और आपके डबल विजन हो, और जब आप स्ट्रेट देखते हो तो आईज वापस अपनी जगह आ जाती हो, ठीक जगह आ जाती हो, तो अगर यह स्थिति हो कि आपके क्लाउडी विजन हो, आपकी आईज साइडवेज देखने पे आउटवर्ड की तरफ चले जाती हो और आपको डबल विजन ब्लर्ड विजन हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जलसीमियम सेमीपरवाइनम। आप जलसीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके आई बॉल्स को भी ठीक करेगी और आपका जो ये आँखें पलकें उठाने में भी आपको एक दिक्कत महसूस होती है उस समस्या को भी ख़त्म करके आपके स्क्विंट को ठीक करेगी। एक साथी स्क्विंट में कंडीशन आती है कि मरीज को ऑब्जेक्ट्स बड़े दिखने लगते हैं, तो अगर यह स्थिति हो ऑब्जेक्ट्स लार्ज दिख रहे हों, बड़े दिख रहे हों और उनको स्क्विंट की कंडीशन हो यानी कि उनके ब्रेन में ट्रबल्स रहे हों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्ट्रेमोनियम। आप स्ट्रेमोनियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिसको कि ऑब्जेक्ट्स लार्ज और बिग दिख रहे हों,
और जिनको ब्रेन ट्रबल्स की हिस्ट्री हो उन केसेस में स्ट्रोमोनियम बहुत कारगर दवा है, आपकी यह ड्रग ऑफ द चॉइस भी हो सकती है। एक स्थिति साथियों स्क्विंट की कंडीशन में आती है कि मरीज जब नीचे की तरफ देख रहा हो तो उसकी आईज बाहर की तरफ चली जाती है और आईज में पेन होता हो, तो जब यह स्थिति हो कि आपको नीचे देखने पे डाउनवर्ड्स देखने पे आईज में पेन होता हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नैट्रम म्यूरेटिकम। आप नैट्रम यूर 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह आपके आईज के पेन को भी ख़त्म करेगी और नीचे देखने पे डाउनवर्ड्स देखने पे आपकी आईज जो साइड की तरफ भागती हैं उसको भी स्टेबल करके आपके स्क्विंट की कंडीशन को ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों स्क्विंट के पेशेंट में आती है कि एक पॉइंट पे देखने से उनकी आईज भागने लगती हैं और वो उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो अगर आपको स्क्विंट डेवलप हो रहा हो जब आप एक पॉइंट पे देखते हो तो आपको स्क्विंट डेवलप हो रहा हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एलोमिना। एलोमिना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस हर बच्चे को दे सकते हैं जिसके दांत निकल रहे हो, डेंटिशन जिनका चल रहा हो और जिनको एक पॉइंट पे देखने पर उनकी आईज में स्क्विंट डेवलप होता हो, तो बच्चों के लिए एलोमिना बहुत कारगर दवा है। दांत निकलने वाले बच्चों के बहुत कारगर दवा है टीथिंग बच्चों के एलोमिना, आप इसका इस्तेमाल करके अपने बच्चे को कंफर्ट जोन में ला सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि जब आप ओवर स्ट्रेन करते हैं, आइस का बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है तो आपकी आइस का आपको लगता है आइस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आइस साइडवेज जाने लगती हैं, तो अगर यह स्थिति हो कि आपका जब ओवर स्ट्रेनिंग हो रही हो आइस की पढ़ने लिखने या किसी टीवी मोबाइल देखने में ओवर स्ट्रेन से आपको दिक्कत हो रही हो तो उस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है रूटा जी। आप रूटा ग्रैंडिफ्लस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपके ओवर स्ट्रेनिंग से आईज में जो स्क्विंट डेवलप हो रहा है उसको ख़त्म करके आपके स्क्विंट को ठीक करेगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी स्क्विंट की कंडीशन को ठीक करने की, स्ट्रैबिस्मस को कंडीशन को ठीक करने की दवाएं साथियों बहुत कारगर है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इस कार्यक्रम में इतनी शिद्दत और इतने वक्त अपना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।